रफत जी, आपसे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक्टिव नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो सपा जो है लगातार हर मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। क्या 2024 के लिए कांग्रेस ने अभी तैयारी नहीं की है? ऐसा नहीं है, कांग्रेस लगातार जिस तरीके से एक्टिव है और हर मुद्दे पर अगर कोई अगर खुल के और मुखर होके बोलना है तो सिर्फ कांग्रेस बोल रही है। आज अगर आज बात करें अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी अब निकले हैं, कब कब जमीन में थे, अभी आप बताइए किस मुद्दे पे वो बोले, किसी मुद्दे पे वो नहीं दिख रहे हैं आज तक के, नहीं दिख रहे हैं। अब अचानक से जब चुनावी मोड में जब आने लगते, जब कोई भी पार्टी होगी तो चुनाव नजदीक आते हैं, सारे के सारे बाहर दिखने लगते हैं। लेकिन अब तक कोई, जब किसी बेटी के साथ रेप हो जाता है तो सबसे पहले अब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वहां पहुंचता है। अगर किसी जो है मजदूर किसान या किसी पे भी कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो पूरे यूपी में, आप देख लीजिए पूरे देश का मुद्दा हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस ही हर मुद्दे पे बोल रही है। लेकिन आज जिस तरीके से मीडिया ये दिखाना चाह रहा है कि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, एक्टिव नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और जिस तरीके से आज जो हंगामा हुआ है, जिस तरीके से मीडिया पर ही अगर सदन में अगर कवरेज करने के लिए आप मना कर रहे हो, मार्शल को आपने खुली छूट दे दी है, जिस तरीके से मीडिया के भाइयों पे हमला हुआ है, तो ये बेहद शर्मनाक है, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है और ये हमारे सब समाज के लिए भी बेहद शर्मनाक स्थिति है। तो कांग्रेस कहाँ बोल रही है, कहाँ नहीं बोल रही है, ये मीडिया डिसाइड नहीं करेगा, ये जनता डिसाइड करेगी कि कांग्रेस कहाँ कहाँ बोल रही है। हर इशू पे कांग्रेस खड़ी है।